क्या जो है बैम्बुलेस स्टिक के चलते अगरबत्ती व्यवसाय जो है खतरे में है, और क्या जो है आने वाले कुछ सालों में जो है अगरबत्ती बननी बंद हो जाएगी। साल दर साल जो है बैम्बुलेस प्रोडक्ट की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और लोग जो है सबसे ज़्यादा बैम्बुलेस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री है, इसको आप यूज़ कीजिए। इससे लेकिन सवाल ये उठता है कि अगरबत्ती मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या अगरबत्तियां जो है कुछ सालों में बनानी बंद हो जाएंगी। जितने अगरबत्ती की भी डिमांड कम होते देखी जा रही है, ये मेरा मानना नहीं है, वैसे इंडस्ट्री में जो लोग हैं अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड। ये था एक छोटा सा डिफरेंस वीडियो, और आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, अगरबत्ती का मार्केट कभी खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले समय में 10 से 12 हजार करोड़ रुपए जो कि आने वाले 3-4 सालों में 20,000 तक आंकी गई है, मतलब साल दर साल जो है बैम्बुलेस प्रोडक्ट की डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और लोग जो है सबसे ज्यादा बैम्बुलेस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री है, इसको आप यूज कीजिए। इससे लेकिन सवाल ये उठता है कि अगरबत्ती मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या अगरबत्तियां जो है कुछ सालों में बनानी बंद हो जाएंगी। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स अभी के टाइम पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या उनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि लोगों का ये ऐसी चीज़ें बनी हुई कि बैम्बू जो स्टिक्स हैं, जो बैम्बू से रिलेटेड अगरबत्तियां बनती हैं, उसमें पॉल्यूशंस होते हैं। हमारे जो है हिंदू धर्म में बांस जलाना जो है अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जिसके कारण जो है बैम्बू लेस प्रोडक्ट जो है फलता फूल फल फूल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेजी से बैम्बू लेस जो है प्रोडक्ट्स, चाहे आप धूप स्टिक्स बोलो, धूप कोन बोलो, या लंबी वाली ऐसे बैम्बू लेस स्टिक की बात करें, तो फिर बिजनेस में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अगरबत्ती की भी डिमांड कम होते देखी जा रही है, ये मेरा मानना नहीं है, वैसे इंडस्ट्री में जो लोग हैं अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड उनका ये सोचना है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे हमारे कुछ ऐसे एनालिसिस जिसके बारे में कि वाकई में क्या धूप स्टिक या बैम्बू लेस प्रोडक्ट आने से अगरबत्ती मार्केट खत्म हो जाएगा या फिर नहीं। सोलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का ये हमारा वीडियो जो है डिफरेंट होने वाला है, और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो है होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स जो कि ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अभी के टाइम पे अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग करना अच्छा रहेगा, या फिर जो बैम्बू लेस प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि धूप स्टिक हो गई, ये धूप कॉन्स हो गए, या फिर और जो डिफरेंट टाइप की सम्राणी वगैरह प्रोडक्ट होगा उसमें काम करना बेटर होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो है बिजनेस किसके तरफ ग्रो कर रहा है, जो सालों साल से चली आ रही है हमारे अगरबत्ती की तरफ, या फिर जो अभी कुछ टाइम से जो है बैम्बू लेस ऐसे प्रोडक्ट्स जो है चल रहे हैं जो कि लोग बोलते हैं कि इको फ्रेंडली है, इसकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। सो फिर सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे टॉपिक्स के ऊपर, और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। देखिए, हमारे भारत में जो है दो तरीके से लोग पूजा के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक जो मान्यता के आधार पर देखा जाए तो जैसे हिंदू धर्म या फिर जैसे रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं तो वो बांस जलाना पसंद नहीं करते। दूसरी चीज क्या है, जो बांस जलाना पसंद नहीं करते वो जो है बैम्बू लेस स्टिक्स हो गई, या फिर मैं कहूँ तो ये धूप स्टिक हो गया, या फिर ये इस तरीके से जो कोन्स चल रही हैं उसका अपने पूजा में जो है इस्तेमाल करते हैं। और हाल फिलहाल जो है इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, मतलब देखा जाए तो ये धूप स्टिक्स, धूप कोन और सम्राणी, इन जैसे प्रोडक्ट जो कि बैम्बू लेस होता है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग गया है। सो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो अगरबत्तियाँ होती हैं जो सालों साल हम लोग अभी अपने पूजा में यूज़ करते हैं, सो फिर लोगों का ये कहना होता है कि भाई जो अगरबत्तियाँ होती हैं उसमें चारकोल और कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और दूसरी चीज़ इसमें बैम्बू जो है होता है
जो कि हमारी हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार बैंबू को जलाना मतलब बांस को जलाना अपशगुन माना गया है। इसकी वजह से जो है लाइमलाइट में आ गई ये बैम्बुलेस स्टिक्स, जो कि बैम्बुलेस तो होता ही है, और इसके वजह से लोगों ने जो कि बांस को जलाना पसंद नहीं करते वो सीधा सीधा डाइवर्ट हो गए धूप स्टिक्स कोन की तरफ, मतलब सीधी सी बात अगरबत्ती को जलाना पसंद नहीं कर रहे। सो फिर क्या इससे मार्केट में कितना बड़ा इफेक्ट जो है पड़ेगा। सो फिर जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा भारत देश है वो एक आध्यात्मिक देश जो है माना जाता है, और यहाँ पे रीति रिवाज पूजा पाठ आध्यात्मिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती आ रही हैं, और इसी के साथ लोग अपने पूजा के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, सपोज अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें। और देखा जाए तो ये आंकड़ा देखा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग पूजा के लिए अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन जो है इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं परसेंटेज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोग आज भी अगरबत्ती के ऊपर विश्वास करते हैं और अगरबत्ती ही जलाना पसंद करते हैं। तो जो लोगों के मन में ये क्वेश्चन था ना कि क्या अगरबत्ती मार्केट धूप स्टिक या फिर बैम्बुलेस प्रोडक्ट आने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मैं सबसे बड़ा एक सच्चाई जो है बताने वाला हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी के टाइम पे जो है पूजा करने वाले 100% में से 75% लोग अगरबत्ती ही जलाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके पूजा का अध्यात्म का एक पुराना हिस्सा है जो कि काफ़ी सालों से लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रही बात इसमें बैम्बू लेस होने की या फिर बैम्बू लेने की, तो वो 25% ही लोग हैं जो कि बैम्बू से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। रहने को मैं कहूँ तो दोनों इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, लेकिन ये हमारी पूजा का एक हिस्सा है तो ये प्रचलन में चली आ रही है और चली आते रहेंगी। सो फिर ये देखा गया है कि आज भी लोग अगरबत्ती जलाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और बैम्बू लेस जो है बहुत कम। देखा जाए तो अभी सीजन के टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में लोग कुछ अच्छा चीज़ें कुछ नया और कुछ यूनिक चीज़ें जलाना चाहते हैं। हालाँकि इसकी बनावट और इनकी ये जो चीज़ें हैं ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसके वजह से ये भी जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगरबत्ती मार्केट जो है सालों से चलती आ रही है और चलेंगी ही। हालांकि पोजीशनिंग के हिसाब से ये भी अपना मार्केट में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों अपनी अपनी जगह में सही हैं। बाय द वे, अगर आप बैम्बू लेस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इनके लिए भी एक अलग टाइप के कस्टमर्स हैं, आप उनको इस टाइप के प्रोडक्ट्स जलाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो अगरबत्ती जलाने वाले हैं उनके लिए तो ये सदाबहार अगरबत्ती, मतलब सदाबहार मतलब छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए जो है सूटेबल है, तो वो है हमारी अगरबत्ती, और इसी से जो है हमारा व्यवसाय भी चल रहा है। तो इसमें डरने और घबराने वाली बात नहीं है, जितने भी अभी मैन्युफैक्चरर भाई हैं या फिर जिन्होंने नया स्टार्टिंग काम किया हुआ है, तो इन सबके मन में ये सोचना ही होता है कि क्या इस तरीके की चीज़ें नई चीज़ें आने की वजह से अगरबत्ती का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कंपटीशन का बेस थोड़ा कम होगा लेकिन मार्केट ख़त्म नहीं होगा, अच्छी बात है ना। फिर यही था आज का एक डिफरेंस वीडियो जिसमें मैंने अगरबत्ती वर्सेज जो है बैम्बुलेस प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश की, और आप निश्चिंत होकर काम कीजिए क्योंकि अगरबत्ती मार्केट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसा एक सर्वे में पता चला था कि जस्ट 2-3 महीने पहले सर्वे मैंने पढ़ी हुई थी, जिसमें से अभी रिसेंट टाइम का मार्केट साइज है 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए, जो कि आने वाले 3-4 सालों में 20,000 तक आंकी गई है। मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि 30 से 40% ये आने वाले 4-5 सालों में ग्रो करने वाला है। सो फिर आप अपने बिजनेस में फोकस कीजिए और इसी तरीके से जो है हमारे इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।